नमस्कार। और आप आपकी बात देखना शुरू कर चुके हैं, मेरे कैमरे में जो नजर आ रहे हैं साहब डॉक्टर। डॉक्टर इसलिए जिक्र कर दूं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन भगवान का रूप दिया जाता है डॉक्टरों को। इसी कड़ी में मैं एक और चीज इनके बारे में बता दूं, साहब के बारे में, कि ये साहब कोरोना काल जब आया था ना सर, तो सभी डॉक्टर लोग ताला मार के गायब हो गए थे अपने अपने अस्पताल में, लेकिन ये महाशय अपने बिना जान पे जोखिम डाल के महाशय सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते अभी ये बरौली में भी ये अपना अस्पताल डाल गया। तो चलिए इसी विषय में आज चर्चा होगी इनसे। तो सबसे पहले सर आपका नाम? नाम डॉक्टर रवि कुमार सिंह है। गोपाल डॉक्टर दोनों जगह देखता हूँ, गोपाल में भी और बरौली में। बरौली में शाम को जनरली में बैठा एक सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब सभी डॉक्टर लोग ताला मार दिए थे अपने अस्पताल में, तो आपको डर नहीं लगा जब आप कोरोना काल में लोगों का इलाज कर रहे थे? नहीं, डर तो लगता था, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रिकॉशन लेके हम लोग ट्रीटमेंट करते रहे, बट वो लोग सब कुछ ठीक ठाक हुआ। कितने देर, मतलब ये आप लोग पीपी किट्स पहनते थे, बहुत गर्मी होती होगी क्योंकि एसी की कोई भी एयर उसके अंदर नहीं जाता है, तो क्या थोड़ा अंदर घुटन फील नहीं होती थी? परेशानी तो होती थी, लेकिन फिर भी उस समय डॉक्टर काफ़ी कम थे, लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग शायद उस समय लोगों की सहायता कर पा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने किया सहायता और सब कुछ ठीक ठाक हुआ। कोई ऐसा आया जो पेशेंट जो मतलब दम फूल रहा हो या ऐसे कोरोना का मतलब कोरोना वाला लक्षण, कितने पेशेंट आपके पास आए? उस समय तो जो भी बुखार के मरीज आते थे लगभग सबके सब सस्पेक्टेड कोरोना के ही मरीज होते थे, जब तक उनको दूसरे किसी चीज़ की जानकारी नहीं की जाती थी। तो लगभग आप मानने के लिए 80% से ज़्यादा मरीज जो थे वो कोरोना के मरीज थे। तो सर डर, ये तो सबसे पहले बात कि उनके परिवार वाले छू नहीं रहे थे उनको, फिर भी अपना जान जोखिम में डाल के करना, ये वाकई आप लोग की तारीफ वाली बात है। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, लेकिन आप सीधे गोपालगंज वाला जो आपका अस्पताल है वहाँ का एड्रेस बता दीजिए। गोपालगंज में हम सदर अस्पताल के सामने जो है न्यू सुरेंद्र मेडिकल, वहीं पे हम लोग देखते हैं, अपना अस्पताल है वहाँ पे, सब कुछ बंदोबस्त है। और यहाँ बरौली में लोगों की मांग के बाद हम लोग शाम में दो दो तीन घंटे हम यहाँ पे, मतलब कितने बजे से आप बरौली में स्टे? बरौली में 3 बजे से लेकर तकरीबन 7-8 बजे रात तक हम यहाँ रहेंगे, 8 बजे रात तक। अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कोई सेवा? उसके लिए हमारे गोपालगंज में अस्पताल है, वहाँ पे हम सब मरीज 24/7 जी बिल्कुल सारी इमरजेंसी है, सब कुछ बंदोबस्त है वहाँ पे, एक आई सी यू भी है हमारे वहाँ पे संबंधित। ऐसा कभी हुआ कि जो पेशेंट आए हो उनके पास पैसा ना हो तो आपने उनके लिए कोई विशेष? हाँ, कोरोना काल में बहुत तरह से, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, और इस समय जैसा भी देखा गया था बहुत से अस्पतालों में पेशेंट घूम के आ रहे थे, जहाँ से सब कुछ लुटा चुके रहते थे, तकरीबन 7-8 बजे रात तक हम यहाँ रहेंगे, 8 बजे रात तक। अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कोई सेवा? उसके लिए हमारे गोपालगंज में अस्पताल है, वहाँ पे हम सब मरीज 24/7 जी बिल्कुल सारी इमरजेंसी है, सब कुछ बंदोबस्त है वहाँ पे, एक आई सी यू भी है हमारे वहाँ पे संबंधित। ऐसा कभी हुआ कि जो पेशेंट आए हो उनके पास पैसा ना हो तो आपने उनके लिए कोई विशेष? हाँ, कोरोना काल में बहुत तरह से, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, और इस समय जैसा भी देखा गया था बहुत से अस्पतालों में पेशेंट घूम के आ रहे थे, जहाँ से सब कुछ लुटा चुके रहते थे, पैसों की कमी रहती थी, फिर भी हम लोगों ने जो भी हमारा समर्थ था हम लोगों ने किया है, और बहुतों की सहायता की हमने। ऑक्सीजन का कोई दिक्कत वगैरह होता था क्या? नहीं, ऑक्सीजन की तो दिक्कत ओवरऑल थी, लेकिन चूंकि हम लोग इस सेट से हैं तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती थी अपनी सिलेंडर्स फिल कराने में, और जो भी यथा सहायता होती थी हम मरीजों को देते थे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती थी ऑक्सीजन अपना, लेकिन हाँ मरीजों को जो भी हम लोग कुछ मैसेजों को एडवाइस करते थे आप घर पर ऑक्सीजन लगवाइए, फिर उनको दिक्कत हुआ करती थी, फिर हम लोग इसको अपना जो है रिफिल वगैरह। चलिए अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्टडी कहाँ से, शुरुआती दौर जो आपका कॉलेज और स्कूल रहा? मैंने अपनी अपनी पढ़ाई जो है MBA दिल्ली से की, उसके बाद से फेलोशिप वगैरह भी दिल्ली से किया, कार्डियोलॉजी से मैंने फेलोशिप किया, और फिर मैंने दिल्ली में तकरीबन 4 साल तक प्रैक्टिस की है, फिर उसके बाद से स्कूल का स्कूल में गोपालगंज से की हुई है, BMS हाई स्कूल से मैंने अपना जो है 10th की पढ़ाई की थी, फिर और जो है गोपालगंज से मैंने 12th की भी की थी, उसके बाद से मैं पढ़ना चले गए थे फिर दिल्ली। चलिए तो अंत में आपसे यहाँ का एड्रेस और गोपालगंज वाला एड्रेस मैं जानना चाहूँगा। बरौली में हम लोग जो भारत गैस एजेंसी का ऑफिस है उसके बगल में हम लोग बैठते हैं, गोपालगंज में सदर अस्पताल के सामने मेडिकल में। कौन कौन सा रोग का इलाज करते हैं ये विशेष जानना चाहते हैं? देखिए हम जनरल फिजिशियन हैं,
तो फिशर को ट्रीटमेंट करते हैं कि हमारी स्पेशलाइजेशन कार्डियक में है, हृदय रोग में और शुगर के रोग में हमारी स्पेशलाइजेशन है, ये हम इसे रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम फिजिशियन है तो हम लोग ओवरऑल सारे मरीजों को भी होते हैं स्पेशली, लेकिन शुगर और हार्ट के पेशेंट, इसलिए मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है और आपके शहर में बेटर अस्पताल और बेटर डॉक्टर आ चुके हैं, जैसे कि कहा जाता है कि भगवान के रूप है, वाकई में है। इनकी तारीफ में इसलिए किया कि इन्होंने कोरोना काल में टिके रहे, जबकि सभी अस्पताल बड़े बड़े अस्पताल जहाँ ताला मार के डॉक्टर लोग गायब हो गए थे उस दौरान ये महाशय टिके हुए थे, इनके लिए एक सैल्यूट बनता है। मैं दीपक शंकर पूरी टीम के साथ इनको सलाम करता हूँ। आप देख रहे थे बात आती।